नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर बिहार के संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई अपडेट हम लेकर आए हैं, जो सारी संविदा कर्मियों के लिए जाननी और समझनी अत्यंत आवश्यक है। तो सारा खबर आपको बताए उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, बिहार में संविदा कर्मियों का जल्द ही कायाकल्प होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार के पलटीमार घोषणाओं से उबकर बिहार के संविदा कर्मियों का एक वर्ग सरकार से क्षुब्ध होकर अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में जुटा हुआ है। यदि ये लोग न्यायालय के शरण में जाते हैं और नीतीश कुमार के द्वारा समय समय पर संविदा कर्मियों के लिए की गए झूठे वादे का सबूत न्यायालय में प्रस्तुत कर देते हैं, तो न्यायालय नीतीश कुमार के पलटीमार घोषणाओं पर संज्ञान लेगी और पूछेगी कि वर्ष 2015 में बनी चौधरी कमेटी का झांसा देकर लगातार संविदा कर्मियों का, जिनमें इंदिरा आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, विकास मित्र, लेखापाल सह, आईटी सहायक, किसान सलाहकार, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, समाज कल्याण विभाग आईसीडीएस के ऑपरेटर, राजस्व एवं भूमि सुधार चकबंदी के संविदा कर्मी, मनरेगा में कार्यरत संविदा कर्मी, बिजली विभाग मानव बल, पीएचडी पंप ऑपरेटर, अतिथि शिक्षक, ग्रामीण चिकित्सक, एस्टेटिकल असिस्टेंट आईसीडीएस, सैप पुलिस जवान, संविदा अमीन, कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के समन्वयक, पर्यवेक्षक और जो है कि कार्यपालक सहायक, स्वास्थ्य विभाग की ENM, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, न्याय मित्र कचहरी सचिव, रात्रि प्रहरी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के समस्त संविदा कर्मी, उन्नयन बिहार के नाइट गार्ड और जो है कि पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायक, आईटी सहायक, लेखापाल, तकनीकी सहायक, ये सारे लोग का शोषण जो है कि सरकार ने किया, इनका शोषण होता रहा, इसका जिम्मेवार कौन है, यह बात जो है कि न्यायालय नीतीश कुमार से अवश्य पूछेगी और इसका कोई जवाब सरकार के पास है ही नहीं, क्योंकि सरकार जो है कि अपने घोषणाओं में, अपने कृतियों में इतना उलझ चुकी है, फंस चुकी है कि एक बार मामला न्यायालय के पटल पर जाते ही सरकार बुरी तरह फंस जाएगी। विदित हो कि हाल के दिनों में झारखंड न्यायालय के द्वारा जो है कि 10 वर्षों तक कार्यरत संविदा कर्मियों को राजकर्मी घोषित कर दिया गया है। इधर हाल के दिनों में तेजस्वी यादव के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में संविदा कर्मियों को लेकर दिए गए बयानों के पुलिंदा का एक फाइल तैयार हो चुका है, जो संविदा कर्मियों के पास मौजूद है, जिसे ये लोग न्यायालय के साथ साझा कर सकते हैं। हाल के दिनों में विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा संविदा कर्मियों को लेकर इन क्रेन विभिन्न प्रकार की घोषणाएँ की गई हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि संविदा कर्मियों का ख्याल सरकार रखेगी, लेकिन अब तक धरातल पर वैसा कुछ दिखा नहीं है जिससे ऐसा लगे कि संविदा कर्मियों का ख्याल रखा जा रहा है। सभी घोषणाएं सिर्फ कागज और अखबारों में ही सिमट कर रह जाती है, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस संबंध में लगातार कह रही है सरकार की संविदा कर्मी, सरकार जो है कि लगातार कह रही है कि संविदा कर्मियों को वेतन वर्तमान महंगाई दर के अनुसार वेतन और समकक्ष कर्मी के अनुपात में संविदा कर्मियों का मानदेय वृद्धि किया जाएगा, जिससे संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी। और इस बात का प्रमाण स्वरूप समान प्रशासन विभाग का अध्यादेश जारी किया गया है और विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, बजबता प्रत्येक विभाग से एक एक सदस्य मनोनीत किए गए हैं। इसके लिए हमेशा ही कमेटी की बैठक होती रहती है कि संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसकी बैठक लगातार हो रही है, हमेशा होती रहती है और परिणाम कुछ नहीं निकलता है और बैठक पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसमें प्रत्येक विभागों के एक एक सदस्य मनोनीत हैं और हर समय समय पर उसकी बैठक होती है और बैठक पर सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता है। ऐसा लगता है कि विकास आयुक्त को 2024 का इंतजार है
और विकास आयुक्त 2024 का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही चुनाव का अध्यादेश जारी होगा वैसे ही विकास आयुक्त फैसला ले लेंगे और संविदा कर्मियों का मानदेय वृद्धि हो जाएगा। लेकिन यह कतई उचित नहीं है, किसी के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो जब संविदा कर्मियों का मानदेय 2024 में ही वृद्धि करवाना है तो फिर समय समय पर उप मुख्यमंत्री और सरकारी पत्र जारी करना, पेपर और मीडिया में बयान देने का क्या अर्थ है। इसलिए जरूरी है कि संविदा कर्मियों को कम से कम एक मुकदमा उच्च न्यायालय में दायर करना चाहिए, जिससे संविदा कर्मियों की पीड़ा पहुंचा रहे लोगों को भी पता चले कि संविदा कर्मी अब जागरूक हैं और चुप बैठने वाले नहीं हैं। सरकारी सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्द संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि हो जाएगा, लेकिन तिथि पूछने पर तिथि बताने से इनकार कर देते हैं और यह सिलसिला लगातार कई वर्षों से चल रहा है। इसके संबंध में जब तेजस्वी यादव से हमारे सूत्रों ने मुलाकात कर जानकारी प्राप्त की तो उनके द्वारा आश्वस्त करते हुए कहा गया कि यह भाजपा जदयू का गठबंधन नहीं है, यह राष्ट्रीय जनता दल और जदयू का गठबंधन है। सरकार जो है कि तुरंत संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि करने जा रही है, लेकिन उनके द्वारा भी तिथि का निर्धारण नहीं किया गया, जिससे स्थिति अस्पष्ट है। लेकिन कोई भी सरकारी पदाधिकारी कर्मी या नेता संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि से इनकार नहीं करता है। पूछने पर सारे लोग बताते हैं कि संविदा कर्मियों का वेतन समकक्ष कर्मी के अनुपात में और वर्तमान बाजार दर और महंगाई दर को देखते हुए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी मानदेय का निर्धारण करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसी के सवाल को लेकर लगातार जो है कि हम अपने चैनल के माध्यम से जब सरकार का बखिया उधेड़ना शुरू करते हैं तो मेरे ऊपर सरकार के विरुद्ध गतिविधि चलाने का आरोप भी लगता है, जिसको हम झेल रहे हैं। किंतु जो है कि सरकार जब संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि का घोषणा करती है तो लगातार जो है कि हम सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं बढ़ा, आपने कहा तो बढ़ा क्यों नहीं, इसका प्रमाण सरकार के पास नहीं है। इसलिए संविदा कर्मियों का एक वर्ग इस सारे मामलों को सिमट इकट्ठा करके और न्यायालय में एक परिवाद दायर करने जा रहा है, जो कि झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के तर्ज पर बिहार में भी होने जा रहा है, जिससे जो है कि 10 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मियों का वेतन झारखंड में वृद्धि कर दिया गया है और साथ ही उन्हें राजकर्मी घोषित कर दिया गया है। यदि ऐसा होता है और मुकदमा उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है तो निश्चित तौर पर बिहार में लाखों की संख्या में वैसे संविदा कर्मी हैं जो लगातार 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उसके अलावे भी जो संविदा पर नियोजित कर्मी हैं जिन्हें ईपीएफ पेंशन का लाभ ईपीएफ का लाभ मिल रहा है, उन लोगों को भी न्यायालय जो है कि राजकर्मी घोषित करने का आदेश पारित करेगी, जो संविदा कर्मियों के लिए अत्यंत हितकारी साबित होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तेजस्वी यादव के नए बयान को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।